किस किस को अपने भाग्य में कुछ चेंज करना है? हाथ उठाओ। चेंज करना है? क्या चेंज करना है बेन? कोई एक बात बताओ, क्या चेंज करनी है बता दो, क्या चेंज करना है? नहीं बताना? हाँ, हाउ स्वीट, ये तो बहुत अच्छा है। जो है वो नहीं चाहिए चेंज करना है, लेकिन क्या चेंज करना है वो नहीं। मतलब माइक अभी जैसा है वो अच्छा नहीं है, लेकिन कैसा माइक चाहिए वो मालूम नहीं है। अच्छा, एक मिनट आंख बंद करो और अपने जीवन को देखो, अपने मन की स्थिति, क्या चेंज चाहिए उसमें। अपनी सोच, अपने संस्कार, क्या चेंज चाहिए उसमें। अपनी सेहत, क्या चेंज चाहिए उसमें। अपने रिश्ते, सिर्फ अपने रिश्तों को देखना, क्या चेंज चाहिए उसमें। अपना काम, क्या चेंज चाहिए उसमें। और ये सृष्टि, दुनिया, क्या चेंज चाहिए उसमें। अच्छा, अब चेक किया मन की स्थिति में क्या चेंज चाहिए, कैसा मन चाहिए। एनीबडी, कैसा मन चाहिए? कैसा मन चाहिए? कैसा मन चाहिए? प्योरिटी चाहिए। अच्छा, सेहत कैसी चाहिए? वो तो हेल्दी चाहिए। रिश्ते कैसे चाहिए? रिश्ते कैसे चाहिए? मधुर रिश्ते, मतलब क्या चाहिए? सबसे सबसे हार्मनी होने चाहिए। अच्छा, मेरी तरफ से या उनकी तरफ से प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि क्या होता है, वो भी साथ वाली कुर्सी पर बैठे हैं, उनको भी मधुर रिश्ते चाहिए, हम भी इधर बैठे हैं, हमें भी मधुर रिश्ते चाहिए, उनको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, बनाएगा कौन दोनों में से? प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है उस रिश्ते में, हम या वो? हम या वो? अच्छा, सृष्टि कैसी चाहिए? दुनिया कैसी चाहिए? दुनिया कैसी चाहिए? कैसी दुनिया चाहिए? कैसी दुनिया चाहिए? अच्छा, पोल्यूशन फ्री दुनिया चाहिए। और यहाँ की दुनिया में पोल्यूशन ना हो, उसके लिए क्या चाहिए? कि यहाँ पोल्यूशन ना हो। जब तक यहाँ का पोल्यूशन नहीं हटेगा, यहाँ का पोल्यूशन ठीक हो ही नहीं सकता। जब तक यहाँ से लोभ नहीं हटेगा, यहाँ गलत कर्म करने बंद कर ही नहीं सकते। तो हमें पोल्यूशन कहाँ से मिटाना पहले? जब तक यहाँ से मन साफ नहीं होगा, तब तक देश स्वच्छ हो ही नहीं सकता। अभी साफ करेंगे, थोड़े दिन बाद वापस गंदा, क्योंकि यहाँ गंदा है। तो जैसा कर्म वैसा भाग्य। अब अगर मुझे अपना मन ठीक करना है, मुझे अपना तन ठीक करना है, मुझे अपने संबंध ठीक करने हैं, मुझे अपनी सृष्टि ठीक करनी है, तो मुझे पहले चेंज कहाँ लाना पड़ेगा? अपना सोचने का तरीका। आज एक चीज़ पक्की करनी है, कुछ भी ठीक करना है, कहीं और नहीं देखना, सिर्फ ये देखना मुझे क्या करना है जिससे ये ठीक हो जाए।
इवन अगर दुनिया ठीक करनी है उसके लिए भी ये चक्कर ना, मुझे क्या करना है जिससे दुनिया ठीक हो जाए, मुझे क्या करना है जिससे ये रिश्ता ठीक हो जाए, ये नहीं कहना कि ये कुछ कर देना तो सारा मेरा रिश्ता ठीक हो जाएगा। धर्म नेता कुछ कर दे, राजनेता कुछ कर दे तो हमारी दुनिया ठीक हो जाएगी। कुछ भी ठीक करना है तो किसके पास जाना है? अपने पास जाना है। हमारी हर सोच, हमारा हर बोल, हमारा हर व्यवहार, ये हमारा कर्म है। हमारी हर सोच, हमारा हर बोल, हमारा हर व्यवहार, ये हमारा कर्म है। सिर्फ जो हम बोलते हैं और करते हैं वो कर्म नहीं है, सबसे पहले जो हम सोचते हैं वो हमारा कर्म है। आजकल हम कई बार बहुत मीठा बोल देते हैं लेकिन अंदर उतना मीठा सोचते नहीं हैं। होता है ऐसा? ऐसा होता है? मीठा मीठा बोलते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है मीठा मीठा सोचते हैं, तो वो कौन से कर्म में बनेगा? वो मिले, मैंने उनसे बहुत अच्छे से बात की लेकिन मैंने अंदर से अच्छा नहीं सोचा तो कौन से कर्म में जाएगा? फिर हम जब अपनी चेकिंग करते हैं, हम कहते हैं मैंने सब कुछ उनके लिए अच्छा किया, सारा व्यवहार उनसे अच्छा किया, फिर भी रिश्ता ठीक नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं चेक करते मैंने उनके लिए अंदर सोचा कैसे। तो जब अपनी कर्म की चेकिंग करनी है तो हम बाहर क्या कर रहे हैं वो नहीं चेक करना, बोल क्या रहे हैं वो नहीं चेक करना, सिर्फ क्या चेक करना? हम सोच क्या रहे हैं। तो हमारी हर सोच, बोल, कर्म, जो हम यहाँ से भेज रहे हैं वो कर्म, जो हमारे साथ हो रहा है, परिस्थितियाँ जो हमारे सामने आ रही हैं, लोग हमारे साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, जो सामने से एनर्जी हमारे पास आ रही है वो है हमारा भाग्य, जो हम कर रहे हैं वो है हमारा कर्म, जो हमारे साथ हो रहा है वो है हमारा भाग्य। अब दोनों के बीच कनेक्शन, जो एनर्जी मुझसे निकल बाहर गई कर्म, जो एनर्जी वापस मेरे पास आ रही है वो है मेरा भाग्य। जैसा कर्म वैसा भाग्य, तो मतलब जो मेरे पास आ रहा है वो किस चीज़ का रिटर्न है? जो मैंने कभी ना कभी भेजा था। अब हम अपने रिश्तों में क्या चाहते हैं? लिस्ट, हमें क्या चाहिए? वन, क्या चाहिए आप बताएंगे? क्या चाहिए रिश्तों में? क्या चाहिए? एनीबडी दिस साइड, क्या चाहिए रिश्तों में? हाँ, प्यार। और क्या चाहिए? हाँ, विश्वास। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? रिस्पेक्ट। वेरी गुड, तीन चीज़ें, प्यार, विश्वास, सम्मान चाहिए। तो क्या करना होगा? अभी सिर्फ चेक करना है क्या चाहिए, और उसको आज से क्या करना पड़ेगा? देना शुरू करना पड़ेगा। नहीं तो हम ऐसे ही वेट कर रहे हैं और कहते हैं चाहिए 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 चाहिए, और मिलता नहीं तो हम प्यार की बजाय क्या दे देते हैं? प्यार की बजाय हम क्या दे देते हैं? सम्मान की बजाय हम क्या दे देते हैं? क्योंकि हम कह रहे हैं हमें ये चाहिए, तो मुझे आपसे प्यार चाहिए, नहीं मिला, मैं हर्ट हो गई। हर्ट हो गई तो मैंने बाहर क्या फेंका? हर्ट हो गई, उदास हो गई, नाराज़ हो गई, तो मैंने क्या फेंका? हर्ट फेंका, नाराज़गी फेंकी। वापस क्या आएगा? हर्ट आएगा, नाराज़गी आएगी। चाहिए क्या? प्यार और सम्मान। फेंका क्या? हर्ट और नाराज़गी। वापस क्या आएगा? हर्ट और नाराज़गी। जब हर्ट और नाराज़गी वापस आएगी और हर्ट हो जाएंगे, फिर और हर्ट हो जाएंगे तो और क्या फेंकेंगे? हर्ट। और क्या चाहिए? प्यार। फिर हर्ट होंगे, हर्ट फेंकेंगे, और हर्ट आएगा, और हर्ट हो जाएंगे। और दिन ब दिन वो जो प्यार चाहिए वो दिन ब दिन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो अब हमें सबसे पहले अपने लिस्ट में चेंज करना है कि चाहिए नहीं,
जो चाहिए उसको क्या करना होगा, देना है। फोकस सारा किस पर क्या करना है, मेरे से क्या जा रहा है, क्योंकि जो मेरे से जा रहा है वो सबसे पहले मुझे मिलता है और वापस भी किसके पास आएगा, मेरे पास ही आएगा। अब कुछ मैंने भेजा, जब वो मेरे पास वापस आता है मुझे याद ही नहीं होता है कि ये मैंने भेजा था, तो मैं सामने वाले को देखती हूँ और मैं कहती हूँ ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आता है किसी रिश्ते में ऐसा क्वेश्चन, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो ये जो है वो हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, वो ये जो है हमारे साथ काम करने वाले लोग हो सकते हैं, इनको मेरे से क्या प्रॉब्लम है। आता है ना ऐसा, ये बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, आता है ऐसा क्वेश्चन। ओके, अब ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब ये एनर्जी मेरे पास ऐसे क्यों आ रही है। आंसर, आंसर, ये मेरे पास ऐसा क्यों आ रहा है, आंसर, आंसर। आज एक इक्वेशन फिट करनी है कि जो कुछ ऐसे आ रहा है वो कभी ना कभी, कभी ना कभी ऐसे गया था, ऐसे जाए बिना कुछ ऐसे आ नहीं सकता, ऐसे जाए बिना कुछ ऐसे आ नहीं सकता। ये अलग बात है कि मुझे याद नहीं मैंने कब भेजा था, क्योंकि हो सकता है मैंने कुछ दिन पहले भेजा हो, कुछ साल पहले भेजा हो, या ये भी हो सकता है मैंने कभी और भेजा हो जब मैं इस शरीर में नहीं थी, किसी और कॉस्ट्यूम में थी। क्योंकि ये जो लेन देन है वो किसके बीच हो रहा है, आज मैंने आपसे गलत व्यवहार किया, मैंने आपसे गलत बात की, तो मैंने आपको क्या भेजा, दुख भेजा। ठीक है, अब जो मैंने भेजा वही वही वापस आना है। मैंने इनसे गलत बात की, दुख भेजा, मैं बाहर गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया, शरीर छोड़ दिया, आत्मा ने छोड़ दिया, अभी अभी इनको दुख दिया, बाहर गई, शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ा, नया शरीर लिया, नया शरीर, नया परिवार, नए रिश्ते, सब कुछ परफेक्ट। और सडनली जब मैं 25-30 साल की थी, एक कोई जना मेरे जीवन में आता है और मेरे को तंग ही करता रहता है। वो कौन था जो मेरे जीवन में आके मुझे तंग कर रहा है, वो कौन है जो मुझे आके जीवन में तंग कर रहा है, वो क्यों कर रही है मेरे को तंग। और फिर हम कहते हैं मैंने उसके साथ कभी गलत नहीं किया, मैंने तो उसके साथ सब कुछ जो किया वो हमेशा अच्छा किया, फिर वो मुझे क्यों तंग कर रही है। आंसर, आंसर, क्यों तंग कर रही है। आंसर, आंसर, क्यों तंग कर रही है, वो मुझे क्यों तंग कर रही है। सपोज मैंने उनको अभी 1,000 रुपये दिए, बाहर गई, एक्सीडेंट हुआ, शरीर छोड़ दिया, नया शरीर लिया, क्या मुझे वो 1,000 रुपये वापस देने, क्या मुझे वो 1,000 रुपये वापस देने, यस और नो, देने वापस, देने चाहिए, उसको मांगने चाहिए, यस और नो, नहीं मांगने चाहिए, क्यों, मतलब ऐसे हम कर दें और फिर चले जाए, दैट विल नॉट बी फेयर, नहीं है वो। अगर आज मैंने आपसे 1,000 रुपीज़ लिए, कल मैं आपको मिलूं, मुझे वापस करने चाहिए, करने चाहिए, परसों मिलूं, वापस करने चाहिए, करने चाहिए, मतलब मैंने लिया था वो आपको वापस देना है, तो मैंने आपको कहा अगले हफ्ते मैं आपको वापस दूंगी, फेयर, फेयर। अगले हफ्ते मेरी ड्रेस चेंज हो गई, ये वाली, और मैं आपको बोलूँ मेरी ड्रेस चेंज हो गई, अभी मैं क्यों दूँ आपको वापस, तो आप क्या कहेंगे,
देने चाहिए नहीं देने चाहिए? देने चाहिए क्यों? आज ये ड्रेस है, अगले हफ्ते दूसरी ड्रेस होएगी, क्यों वापस दो सिस्टर? क्यों वापस दो आपको मैं? मेरी ड्रेस चेंज, आपकी भी ड्रेस चेंज, क्यों वापस दो? क्योंकि लिया किसने था? मैंने लिया था, ये ड्रेस ने नहीं लिया था, तो वापस किसने देना है? मैंने देना है। अब उस एक हफ्ते के अंदर ये वाली ड्रेस नहीं चेंज हुई सिर्फ, ये वाली ड्रेस भी चेंज हो गई है, वापस दो, वापस दो। क्योंकि लिया किसने था? इस हाथ ने नहीं लिया था, किसने लिया था? मैंने लिया था, मैंने, वो मैं, वो आत्मा जिसने लिया था, उसने ये ड्रेस चेंज कर ली, दूसरी ड्रेस ले ली। मेरे को भूल भी गया, मैंने आपसे 1000 रुपये लिया था, लेकिन मैंने वापस दिया नहीं था, और मैंने कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया। बड़ी हो गई, गाड़ी चलानी सीखी, नई अपनी गाड़ी लेके बाहर गई, ये सामने से आए, मेरी टक्कर लग गई, सुबह सुबह इन्होंने खड़े होकर मेरे से 1000 रुपये ले लिया। आज होता है ऐसा? नहीं होता? होता है कि नहीं होता? फिर हम कहते, ओहो वो एक सेकंड में टक्कर हुई, मैं थोड़ा सा ऐसा एक सेकंड करते ना मेरे 1000 रुपये आज बच जाते। लेकिन वो बचने नहीं थे, वो उनको देने ही थे। क्यों देने थे? क्यों देने थे? पिछली बार का पेंडिंग है, इसलिए प्यार से, प्यार से दे दो। दुख दिया वो लेना है वापस? दुख दिया वो वापस लेना है कि नहीं? आज मैंने आपको तंग किया, आपके बिजनेस में विघ्न डाले, आपके जीवन में विघ्न डाले, तंग किया 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 किया, एक्सीडेंट हुआ, शरीर छोड़ा, नया शरीर लिया, जब आपसे मिलूंगी तो वापस कुछ होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? और इसीलिए जब हम लोगों को मिलते हैं, कुछ लोगों को मिलकर बहुत अच्छा लगता है, कहते पता नहीं इनसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, ये वो वाले लोग हैं जिनके साथ पिछली बार हम कुछ अच्छा करके आए हैं, और कुछ लोगों को मिलकर हम कहते पता नहीं इनसे मिलकर अच्छा क्यों नहीं लग रहा। आता है कि नहीं ऐसी फीलिंग? ये वो वाले लोग हैं जिनके साथ हम पिछली बार कुछ गड़बड़ करके आए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, और अब हर बात याद कर लो जो आपके साथ हो रही है, और इस इक्वेशन को फिट कर लो कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो कभी ना कभी इस तरफ से गया था।